भदोही लोकसभा क्षेत्र के महासमर की आज की सबसे बड़ी हलचल यह रही कि औराई में डॉक्टर विनोद बिंदाए तो ज्ञानपुर में ललतेज पर छाए। जी हाँ, आज दिन भर की यह दो बड़ी सियासी हलचल भरी तस्वीरें सुर्खियों में रही। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं औराई विधानसभा क्षेत्र की है, जहां आज प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार पहुंचे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद का स्वागत आगवानी हुई। कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने उन्हें माल्यार्पण भी किया। औराई के भाजपा विधायक पूर्व मंत्री दीनानाथ भास्कर के साथ तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से भाजपा प्रत्याशी मिले। सोशल मीडिया पर सबसे अधिक चर्चित तस्वीर पूर्व मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता रंगनाथ मिश्र और भाजपा प्रत्याशी मझवा के विधायक डॉक्टर विनोद बिंद की सामने आई। पूर्व मंत्री से मिलने भाजपा प्रत्याशी आज उनके घर पहुंचे थे। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर खासा सुर्खियों में है। फिलहाल ऐसी तमाम तस्वीरें अभी सामने आती रहेंगी। सबसे अहम और बड़ी बात यह है कि भदोही लोकसभा क्षेत्र में हैट्रिक की तलाश में जुटी भाजपा के लिए यह सीट आसान नहीं है। हालांकि भाजपा ने निषाद पार्टी से मझवा के विधायक डॉक्टर विनोद बिंद को अपने सिंबल पर भदोही लोकसभा क्षेत्र से उतारा है, लेकिन विधायक पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी ओवैसी की AIAM और प्रेमचंद बिंद की प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के PDM से प्रत्याशी हुए प्रेमचंद बिंद के अलावा बसपा प्रत्याशी का ऐलान होना अभी बाकी है। बसपा से एक समाज के एक महिला समेत तीन नेताओं में किसी एक के नाम का फाइनल होते ही भदोही लोकसभा का यह महासमर रोमांच और चरम पर पहुंच जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात यह है कि देर से प्रत्याशी की घोषणा करने वाली भाजपा मौजूदा समय में कितने तेजी दिखाती है और TMC और बसपा की चुनौती से कैसे पार पाती है। फिलहाल यह रही भाजपा की बात, अब आपको सीधे लिए चलते हैं इंडिया अलायंस के TMC से प्रत्याशी ललतेज त्रिपाठी के ज्ञानपुर विधानसभा के गोपीगंज पड़ाव स्थित केंद्रीय कार्यालय खुलने के दौरान की। इस दौरान ललतेज त्रिपाठी ने क्या कहा आपको सुनना चाहिए। उसी तरह से मुझे यहाँ पे भेजा गया है कि सारे गठबंधन के कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई आंच ना आ पाए, कोई तकलीफ ना आ पाए, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है और मैं